हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने चैप्टर तो खत्म कर लिया है जी। सो एक प्रॉब्लम आज आपको करवाने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम कमेंट्स में आई थी, तो अच्छी प्रॉब्लम है जी। तो आज हम चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इजी है। कहता ऑन रोटेटिंग द एक्सिस एंगल एट एंगल। सो इस एंगल पे जो आपको ये एंगल दिया हुआ है ना, इस पे आपने रोटेशन दी है। सो जो आपने रोटेशन दी है, इस एंगल पे आपने रोटेशन दी है। सो मींस आपका जो थीटा है, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स टू एंड, और आपका जो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा आपका हो गया टू। अगर आप इसको डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ गया, तो आपका जो कॉस थीटा होगा वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो आपका साइन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हम क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना आप इसको। कहना ऑन रोटेटिंग द एक्सिस एट एंगल द इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम, ये एंड प्रोडक्ट है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जाना है। अब जब आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जाना हो, तो आपको क्या यूज करना होता है? आपको यूज करना होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x sin थीटा, ठीक है, प्लस y cos थीटा। ये जो x और y होते हैं, ये आपके न्यू वेरिएबल होते हैं, और इस क्वेश्चन में आपके न्यू वेरिएबल कौन है? एक्स स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में आपके न्यू वेरिएबल एक्स और वाई है, नो प्रॉब्लम। हमने कैपिटल एक्स यहाँ पे सोचना है, हमने इसको ऐसे सोचना है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपने सोचना ऐसे ही है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये न्यू वेरिएबल होते हैं, और न्यू वेरिएबल को अगर आपने ओल्ड में लेके जाना है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, ठीक है जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने पीछे, अगर आप सारे लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो जिस दिन मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करवाया था, आप देखो यहीं पे मैंने सब कुछ लिखा था, मैंने आपको रोटेशन समझाई थी। ये देखिए जो न्यू वेरिएबल है x cos थीटा प्लस sin थीटा, h भी है इसमें, ये लिखे x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये x डैश और y डैश हमारे न्यू वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम? न्यू वेरिएबल x और y ले रहे हैं, बस यही है आपके क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना, आपने जो ये x है, आपने पहले तो इस x को लिखना है, x cos theta की वैल्यू क्या आई है? 1 by under root 5। फिर आपने लिखना y sin theta की वैल्यू आई है, तो आपने y लिखा minus x sin theta की वैल्यू 1 by under root 5 आई, सॉरी 2, 2 by under root 5 y cos theta 1 by under root। तो आपकी x हो गई और y हो गई। आपने x 11 x square यहाँ पे कैपिटल x डालना है, आपने इस x की जगह पे डालना, नो प्रॉब्लम। तो आपका बन गया 11 बाई अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस y 2 टाइम्स अंडर रूट 5 ये स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट 5। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है माइनस 4, x की वैल्यू लिखनी है आपने x बाई अंडर रूट 5, y बाई अंडर रूट 5, ये आप x की वैल्यू लिख दोगे। फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस y बाय अंडर रूट 5, ये हो गई आपकी। और तीसरी वैल्यू आपने लिखनी है 14, आप इसको अलग रखो, ठीक है जी। सो 14 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपने क्या डालनी है? ये वाला वाई इधर है, तो माइनस एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाय प्लस वाई अंडर रूट, ठीक है जी। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो ठीक हो गया जी, आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू है, हमने अलग कर दी। अब इसको आपने खोलना है और आपने वैल्यूज एडजस्ट करनी है, ठीक है, बस और क्या। तो आपने 11 रखा x स्क्वायर
बाय फाइव, ठीक है, ए स्केयर हो गया, प्लस चार वाई स्केयर बाय फाइव, प्लस टू टाइम्स एक्स इंटू टू वाई, टू ए बी और नीचे फाइव, ये आपका पहला आ गया। माइनस फोर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय फाइव, तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय फाइव, फिर आपने आगे मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई डिवाइडेड बाय फाइव, तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर आगे माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट टेन, ठीक है जी। तो ये आपको नहीं, अंडर रूट टेन नहीं, ये आपका फाइव ही है। तो पहले वाला ठीक, दूसरे वाला ठीक, तीसरे वाला होगा माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय फाइव, ये आपकी तीसरी टर्म हो गई, और चौथी टर्म हो गई आपकी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइव। सो ब्रैकेट में आपकी जो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, वो आप चेक कर लो कौन सी आ गई है, ठीक है। तो पहले तो आप वैल्यूज देखो, सो थोड़ी इसमें मिस्टेक हो, थोड़ी करेक्शन दे लो। x की वैल्यू तो ठीक है, x की वैल्यू x by this y into 2 times under root 5, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू लिखी x over 5, यहाँ पे ना 2 है, y की वैल्यू हमने 2x under root 5 लिखी, y under root 5, तो ये ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पहली टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, पहली दो टर्म तो ओके हो जाएगी, दूसरी में जरूर प्रॉब्लम आएगी। ये आ जाएगा आपका 4, 2 to the 4 by under root 5 मल्टीप्लाइड बाय टू वाई स्क्वायर बाय फाइव, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब लास्ट वाली वैल्यू क्या है, लास्ट वाली वैल्यू है आपकी 14, ठीक है, यहाँ पे 2x है तो 4x स्क्वायर बाय फाइव हो जाएगा, फिर y स्क्वायर बाय फाइव हो जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, माइनस 4xy डिवाइडेड बाय फाइव, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट खोलनी है और आपने टर्म्स सेट करके लिखनी है। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंसीडर करेंगे, वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है, देखिए 11 बाय 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर वाली 8 बाय 5 एक्स स्क्वायर, और फिर 56 बाय 5 एक्स स्क्वायर, तो तीन टर्म तो आपकी ये आ गई, ठीक है जी, 11, 56 और 8, ठीक है। तो अगर इन तीनों को आप जोड़ो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 56, 64, 75, सो ये 75 बाय 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वाई स्क्वायर वाली टर्म अरेंज करनी है, तो वाई स्क्वायर वाली ये हो गई आपकी 44 वाई स्क्वायर बाय 5, ये आपकी एक टर्म हो गई। उसके बाद वाई स्क्वायर वाली आपकी टर्म माइनस 8 वाई स्क्वायर बाय 5, और तीसरी जो आपकी वाई स्क्वायर वाली 14 वाई स्क्वायर बाय 5। तो वाई स्क्वायर वाली आपके पास तीन है जी, ठीक है, और जो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 14 और ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया ऐड होके 58, 50 डिवाइडेड बाय 5 वाई स्क्वायर। सो दो टर्म्स आप, ये आपका पेयर तैयार हो गया, ये भी आपका तैयार हो गया। अब एक्स वाई वाली टर्म देखो, सो 44 एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5, तो इसके आगे जो आपकी टर्म है वो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 44, ठीक है जी, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5, ये आपकी पहली टर्म हो गई, ठीक है। दूसरी जो आपकी होगी 16 4, 4, 16, नहीं इसमें करेक्शन कर लो आप, ये इसमें कम हो जाएगा ना, ये सब्ट्रैक्शन भी होएगी ना, 3 हो जाएगा, सो 12 एक्स वाई हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और इसमें 56 एक्स वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, सो ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
सो ये आपका आंसर टैली हो गया। ठीक है जी, सो यहाँ तक पहुँचे हो आपने, देखा है। थैंक यू।